क्या हाल चाल फिट एंड फाइन। चलो आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 11th के लिए 12th के लिए आगे भी काम आएगा। चैप्टर का नाम है बेटे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज कायदे से आपकी अकाउंटेंसी स्टार्ट हो रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से करना, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, आगे यही काम आएगा पूरी अकाउंटिंग में। डेबिट और क्रेडिट के अगर रूल्स पता है आप कहीं मार नहीं खाओगे, बात क्लियर है। चलो आप बेटे क्रिकेट खेलते हो? यस सर खेलते हैं। कोई क्रिकेट खेलता होगा, कोई वॉलीबॉल खेलता होगा, कोई बास्केटबॉल खेलता होगा, कुछ ना कुछ खेल खेलते हो, चेस खेलते हो, लूडो वगैरह खेलते हो, ये सब खेलते हो। हर खेल का बेटा रूल होता है कि भाई चेस खेल रहे हो तो घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, जो आपका हाथी है वो सीधा चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना घोड़े को सीधा चला देते हो, हाथी को 2.5 चला देते हो, ऐसा होता है? नहीं होता। चेस खेलने के भी रूल है, क्रिकेट खेलने के भी रूल है कि भाई सीधा ग्राउंड पार किया तो 6, बॉल टप्पा खा के गई तो 4, कैच पकड़ी तो आउट। रूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो बेटे अकाउंटिंग करने के भी रूल्स हैं कि भाई कब हमारा जो ट्रांजेक्शन है डेबिट होगा, कब हमारा जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, किस केस में हमें डेबिट करना है, किस केस में हमें क्रेडिट करना है। दो एस्पेक्ट होते हैं हमारी अकाउंटिंग के, ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग चलती है, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। किस केस में हमें डेबिट करना है, किस केस में हमें क्रेडिट करना है, आपको रूल्स है, रूल्स बता रखे हैं कि कब कब आपको डेबिट करना है और कब कब आपको क्रेडिट करना है। चलिए देखते हैं बेटे, रूल्स बनाए गए दो तरीके से, दो अप्रोचेस बनाई गई। सबसे पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, हमें दोनों अप्रोच पढ़नी है। दूसरी अप्रोच है बेटे आपकी मॉडर्न अप्रोच। दो तरीके के रूल्स हैं। सबसे पहला, जब आपकी अकाउंटेंसी स्टार्ट हुई थी उस वक्त आपको कुछ बताया गया, उसको हम बोलेंगे बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। धीरे धीरे अकाउंटिंग चलती गई चलती गई, कुछ नए रिसर्च वगैरह हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि हम इस रूल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है, हमारी जर्नल एंट्री जो है आगे बिल्कुल प्रॉपर होगी, हमारी अकाउंटिंग जो है प्रॉपर होगी। हम ये रूल भी फॉलो कर सकते हैं, हम ये रूल भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच। इधर लिखो, ये लिखना है साथ के साथ, ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी हम आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। चलो सबसे पहले इसमें बोला गया अकाउंट। बताओ बच्चों अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म्स में, डेफिनेशन में मैंने आपको अकाउंट का मीनिंग बताया था, क्या होता है बच्चों अकाउंट? बोलो सर अकाउंट, जब कोई एक पर्टिकुलर आइटम, एक से रिलेटेड सारी एंट्रीज उस पर्टिकुलर हेड में डाली जाती हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। फॉर एग्जांपल, मैंने सैलरी पे करी तो सैलरी से रिलेटेड जितनी भी आइटम है मैं उसका एक अलग हेड बना दूंगा, सैलरी अकाउंट। विक्रम को मैंने पैसे दिए, विक्रम को मैंने गुड्स दिए, विक्रम से मैंने पैसे लिए, यानी जहां पे विक्रम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी वो एक हेड बनाऊंगा विक्रम का, और उस हेड में पूरी क्लासिफाई करूंगा, बात क्लियर है, उसको मैं बोलता हूं सर अकाउंट। अकाउंट बेटे तीन तरीके का होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का मतलब क्या है बेटे, कब किसी पर्सन को रिलेट करे, किसको रिलेट करे, पर्सन को, रिलेटेड टू पर्सन।
रियल का मतलब है बेटे एसेट्स हो गई आपकी, किसको रिलेट करेगा, एसेट्स को। नॉमिनल में बेटे आ जाएगा आपका एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस। हमने अकाउंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई करा, सबसे पहला पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट भैया कोई भी पर्सन उठा लो, मैं हो गया, विक्रम हो गया, सुदीप हो गया, रीडमंत्रा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, ये सब क्या है, पर्सनल है, कोई पर्सन है। पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, इसकी अलग क्लासिफिकेशन है, अभी हम करेंगे। रियल, जितने भी आपके एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है। ये जो हमारा बोर्ड है, बताओ बेटे ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? सर ये टेंजिबल है। जो इस स्टूडियो में कैमरा है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? टेंजिबल है। इनटेंजिबल एसेट में आते हैं गुडविल हो गई आपकी, कॉपीराइट्स हो गए, कोई एक बुक है, जैसे अकाउंटेंसी की बेस्ट बुक है टीएस ग्रेवाल, वो टीएस ग्रेवाल सर ने अपनी बुक को कॉपीराइट करा रखा है कि भाई जो कंटेंट है वो उनका है, तो वो कौन क्या है उनकी, इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स कौन सा अकाउंट होता है बेटे? वो रियल अकाउंट होता है। तीसरा, हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनकम्स भी होती हैं, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, तो इन तीनों को मैं कहां क्लासिफाई करता हूं, इन चीजों को कहां क्लासिफाई करता हूं, नॉमिनल अकाउंट में। बताइए आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आओ बेटे पर्सनल अकाउंट को हम तीन पार्ट में और फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इसको फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन कौन? मैं हो गया, विक्रम हो गया, यानी बेटे जो खा सकता है, पी सकता है, सांस ले सकता है, जो जीवित व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल पर्सन का मतलब है बेटा ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग ह्यूमन नहीं, ह्यूमन बीइंग। विच आर क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोलो, आपका बींग ह्यूमन तो सलमान खान की वो आ गई एनजीओ, सलमान खान जो है वो नेचुरल पर्सन है, विक्रम जी जो हमारे हैं वो नेचुरल पर्सन है, हमारे सुदीप जी आज आए नहीं है अभी तक, वो कौन है बेटे, नेचुरल पर्सन है। बताइए नेचुरल पर्सन क्लियर है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल वो बेटे जिनको हमने बनाया, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये सब कहां पे क्लासिफाई होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में। फॉर एग्जांपल फर्म, कंपनी, कोई सोसाइटी वगैरह एटसेट्रा। अगर हम आपसे एग्जांपल लें, ह्यूमन बीइंग्स तो यहां पे आ गए, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का एक एनजीओ है बच्चों जिसको बहुत प्रमोट करता है, आर्टिफिशियल पर्सन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रीड मंत्रा एटसेट्रा, ये कौन सा पर्सन है बच्चों, आर्टिफिशियल। लास्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट सम पर्सन। इसको मैं आपको बताता हूं, रिप्रेजेंट पर्सन, अभी सुनो, आपकी किताबों में एक वर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है, मैंने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी, सर 1,00,000 रुपए कैपिटल बढ़ गया, 1,00,000 रुपए कैश बढ़ गया, कैपिटल है क्या, क्या चीज है वो? सर कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई इस बंदे को मैंने 1,00,000 रुपए देना है। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, पढ़ा हुआ है आपने,
यदि कैपिटल वर्ड क्या कर रहा है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो मेरे को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाता हूँ। मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 1 लाख रुपए लगाया। अब जब मैं बिजनेस की अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन देखूंगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूंगा, तो क्या मेरे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल नाम से 1 लाख रुपए आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। वो क्या डिनोट कर रहा है? वो कहता है कि राकेश सर को मैंने 1 लाख रुपए देना है, कि इनका इस बिजनेस में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। यानी कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखो यहां पे कैपिटल हो गया आपका, ड्रॉइंग्स हो गया। कैपिटल मेरे को रिप्रेजेंट करता है तो ड्रॉइंग्स भी रिप्रेजेंट करेगा, पक्की बात है। डेटर, डेटर का मतलब क्या है कि भाई उस बंदे से मैंने पैसा लेना है। और क्रेडिटर का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को मैंने पैसा देना है। यानी डेटर और क्रेडिटर भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो डेटर्स, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, और बताओ बच्चों, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि इतना पैसा मैंने इनको देना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब इस व्यक्ति को मैंने फालतू पैसा दे दिया है। लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आ गए तो इनकम भी, एक्रूड इनकम। एंड लास्ट एडवांस इनकम। अप्रोक्स पूरे के पूरे मैंने लिखवा दिए आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्संस। बताइए आपको इससे में कोई दिक्कत है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा अकाउंट 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल यानी किसी पर्सन को डिनोट करे। पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन कौन? वैसे बेटे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं, आप, तुम, सारे आप, तो आप ही रह गए, तुम भी कहां से आ गए। आर्टिफिशियल यानी जिनको हमने बनाया, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, कंपनी वगैरह हो गई, ये सारा है। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। बताइए आपको पर्सनल में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर। नेक्स्ट आता है बेटे रियल। रियल में मैंने क्या लिखा, एसेट्स। सारी एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, सारी एसेट यहां आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एसेट जो है बेटे टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। एसेट जो है आपकी टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल एसेट बताओ बेटे क्या क्या हो जाएगा? सर कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, मोटर कार हो गई, ये सब क्या है टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। इनटेंजिबल एसेट में बेटे आपकी गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब कहां पे आ जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स में। बात क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट आया बेटे नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होगा? एक्सपेंस हो गया, जो आपके सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब क्या है खर्चे। इनकम में आपकी क्या आ गई बेटे? सेल्स हो गया, जो माल आपने बेचा, इंटरेस्ट इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, प्रॉफिट लॉस, ये सब कहां जाएगा? नॉमिनल में। बताइए तीनों क्लासिफिकेशन ठीक है? यस सर। अब आते हैं रूल्स पे, किस केस में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, किस केस में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या मैं रूल्स लिख सकता हूं? बिल्कुल। मेरे को थोड़ी सी जगह की यहां कमी है, आप इसके नीचे ही रूल्स लिखेंगे। आप रूल्स लिखो यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं रूल्स। तीन अकाउंट मैंने आपको बताए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही तीन अकाउंट बताए बच्चों? यस सर। या तो ये डेबिट होंगे या फिर क्रेडिट होंगे। या तो ये अकाउंट डेबिट होगा या फिर ये अकाउंट क्रेडिट होगा। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
what goes out. Debit all expenses and losses. All expenses and losses. Credit all incomes and gains. Incomes and gains. चलो बेटे लिख लिया आपने. मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, यही चीज है जो आपकी पूरी अकाउंटिंग में काम आएगा, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे आप सीए करो, सीएमए करो, सीएस में तो लॉ ही है ज्यादातर. अगर आपने अकाउंटेंसी कर अकाउंटिंग करनी है आगे, तो ये रूल्स पक्के ध्यान होने चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. चलो डिस्कस करते हैं. हम बात कर रहे थे पर्सन की. हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों? पर्सन की. पर्सन कौन? मैं नॉर्मल पर्सन की बात करता हूं, नेचुरल पर्सन की. नेचुरल पर्सन से ही एग्जांपल देता हूं, ठीक है? विक्रम जी पर्सन है, मैं पर्सन हूं. विक्रम को बेटे मैंने क्या करा, विक्रम से मार्कर खरीदे. मैंने क्या खरीदे? मार्कर खरीदे. मैंने कहा विक्रम इधर आओ. मैंने कहा मैं तुम्हें 20 रुपए देता हूं, मुझे ये मार्कर दे दो. क्या दे दो मेरे को? मार्कर दे दो. बताओ बेटे दो कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा होगा, सोच के बोलो. मैं विक्रम के पास गया, मैंने उसको 20 रुपए दिए और मैंने मार्कर खरीद लिए. बताओ कौन कौन से दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा होगा? सबसे पहला मार्कर, दूसरा कैश. दोनों अकाउंट को आराम आराम से रिलेट करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से. मार्कर की बात करते हैं बच्चों. मार्कर क्या है मेरे लिए? मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं. मार्कर कोई पर्सन है? नहीं. क्या मार्कर मेरा एसेट है? नहीं. क्या मार्कर मेरा खर्चा है? बिल्कुल है. मार्कर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. बात क्लियर है? बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो खर्चा है मार्कर, कंज्यूमेबल आइटम्स है. अब बताओ बेटे मार्कर खर्चा है, खर्चे को मेरे को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? सर देखो डेबिट में क्या लिखा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. नंबर दो कैश, मैंने विक्रम को कैश पे करा, बिल्कुल कैश पे करा. अब विक्रम को जो मैंने कैश पे करा, कैश बताओ पर्सन है? नहीं सर. क्या एसेट है कैश मेरा? बिल्कुल सर. कौन सा एसेट है? टेंजिबल. जब मैं विक्रम को पैसा दूंगा, पैसा आएगा मेरे पास या पैसा जाएगा? सर पैसा जा रहा है. तो बताओ बेटे कैश को मैं क्या कर दूंगा? व्हाट गोज आउट. सिंपल सी बात है, कुछ टफ नहीं, आराम आराम से. क्लियर है ये वाला एग्जांपल? क्लियर है? बिल्कुल. अब पर्सन पे आओ. सिंपल सी बात करते हैं पर्सन की. कोई भी पर्सन है, या तो वो रिसीव करेगा, या तो वो लेगा, कोई सामान को रिसीव करेगा या कोई सामान देगा. पक्की बात है, अगर मैं उधार की बात करता, मैं विक्रम को बुलाता, मैंने कहा विक्रम तुम मुझे मारकर बेचो, मैं तुम्हें पैसे कुछ दिन बाद दूंगा, पैसे मैं आपको कुछ दिन बाद दूंगा. तो पहला अकाउंट तो हमारा हो गया भाई नॉमिनल अकाउंट, खर्चा था मारकर, मैंने खर्चे में डेबिट कर दिया. दूसरा अकाउंट, क्या मैं विक्रम को पैसा दिया? नहीं दिया. विक्रम ने मेरे को मारकर दिया, तो विक्रम द गिवर हो गया, तो विक्रम को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट. अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, या तो वो रिसीव करेगा, सॉरी, अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, या तो वो रिसीव करेगा या फिर वो कोई सामान देगा. रियल अकाउंट की बात करते हैं बेटे, एसेट की, कैश की बात करते हैं. या तो पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा. व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट. या फिर मेरे बिजनेस में खर्चा या लॉस होगा, या फिर मेरे बिजनेस में इनकम और गेन होगा. तो सिंपल सी बात है, अगर रिसीव कर रहा है तो डेबिट, दे रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो डेबिट, इनकम हो रहा है, मुनाफा हो रहा है तो क्रेडिट. बताइए क्या आपको ये बातें याद हो सकती हैं? रटना है बेटे, घोल के पी जाओ ये तीन रूल्स जो हैं, ये तीन रूल रटे होने चाहिए. बात क्लियर है? दोबारा से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन केस ऑफ रियल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट. बात क्लियर है? बिल्कुल सर. चलिए आगे चलते हैं. अब अगला अप्रोच जो है हमारा वो है मॉडर्न अप्रोच. चलो जी आगे चलते हैं. मॉडर्न अप्रोच लिखो. सब गायब हो गया,
अभी बेटे हमने आपके साथ डिस्कस किया ट्रेडिशनल अप्रोच, अब हम अगली अप्रोच पे आए हैं। अगली अप्रोच कौन सी है? मॉडर्न अप्रोच। चलो आओ, इसमें बेटे हमने पूरी अकाउंटिंग को 6 पार्ट में क्लासिफाई किया। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करा? 6 पार्ट में। लिखो एसेट, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, एक लाइन छोड़ के लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। ठीक है, कितने पार्ट में क्लासिफाई करा बेटे पूरी अकाउंटिंग को? 6 पार्ट में। सबसे पहला एसेट, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स, और अगला लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। या तो बेटे ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो एंट्री नहीं होगी, पक्की बात है। देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी या तो कुछ बढ़ेगा या फिर कुछ घटेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है भाई, कैश बढ़ता था, कैश कम होता था, कैपिटल बढ़ता था, कैपिटल कम होता था, जिसमें कोई इफेक्ट ही नहीं आता था। क्या हम उसको एड प्लस करते थे, जीरो प्लस करते थे, यानी उसका कुछ इफेक्ट होता था, कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बात है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर बेटे इन तीनों में से कुछ भी इंक्रीज होता है, इनको हम करेंगे डेबिट। अगर डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। खत्म हो गया मॉडर्न अप्रोच, इतना सा। कुछ याद नहीं करना, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, भाड़ में गया, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट वगैरह, ये सब। ये बढ़ेगा डेबिट कर दो, घटेगा क्रेडिट कर दो, बढ़ता है क्रेडिट कर दो, घटता है क्रेडिट कर दो, अकाउंटिंग खत्म। बोलो बच्चों, क्या आप ये बातें याद कर सकते हो? बिल्कुल सर, ये मॉडर्न अप्रोच है। क्लियर है? अब मैं आपके साथ कुछ आइटम्स डिस्कस कर रहा हूं। पहले आपको क्लासिफिकेशन भी होनी चाहिए। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच का कुछ डिस्कस करूंगा कि आपको बताना है वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, आपने बताना है वो एसेट है, एक्सपेंस है, ड्रॉइंग है, लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू, इन सब में से क्या है। क्या मैं क्वेश्चन शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल सर। चलिए बेटा लिखना शुरू करिए मेरे साथ, मैं रब कर रहा हूं इसको, इधर ही कर देता हूं। या सेम क्वेश्चन नहीं, अलग अलग करेंगे। चलो लिखो बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। क्या मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। बताओ बेटे, पहली बात कैश, क्या है कैश? लिखो अपने आप, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं पता सर कैश क्या होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है या नॉमिनल होता है। अगला डेटर, क्या होता है डेटर? थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट मशीनरी, नेक्स्ट रेंट, आगे लिखो प्रीपेड रेंट, नेक्स्ट कैपिटल, अगला लिखो, कैपिटल लिख लिया, फर्नीचर,
नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, नेक्स्ट गुडविल, नेक्स्ट बैंक, अगला लिखो बिल्स पेबल, अगला लिखो सेल्स, नेक्स्ट लिखो परचेज, आगे हो 15 और क्या बोल सकते हैं हम, फर्नीचर हो गया, कैश, अगला एक्रूड इनकम, नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, नेक्स्ट और बोलो भाई और बोलो, कॉपीराइट्स, लास्ट बोलो भाई, कुछ भी बोल दो, क्या बोले यार, देख लेते हैं और कोई दिमाग में आ रहा है तो, वेजेस लिख लो यार, सैलरीज लिख लो, चलो खत्म करो बेटे इसको क्लासिफाई, क्या कहां क्लासिफाई करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीन आइटम्स में आपने क्लासिफाई करना है, करो चलो जी करो करो, यही है हम कहीं नहीं जा रहे, करें शुरू, कर लिया, बिल्कुल चलो बेटे, कैश बताओ क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, कैश क्या होता है बेटा, आपका एसेट होता है, कहां पे जाएगा, रियल में, लिखो रियल, नेक्स्ट आया हमारा डेटर, डेटर बताओ बेटे क्या होता है, सर डेटर पर्सन होता है, लिखो पर्सनल, कौन सा वाला, रिप्रेजेंटेटिव होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी को पे करना है, यानी क्या है बेटे ये भी पर्सनल, मैं पी आर एन लिखता चलू, मशीनरी एसेट है, रियल, रेंट, रेंट बेटे खर्चा, खर्चा कहां जाएगा, नॉमिनल में, लिखो नॉमिनल, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव यानी पर्सनल, कैपिटल भी पर्सनल, फर्नीचर रियल एसेट है, ड्राइंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सनल, गुडविल एसेट है तो रियल, बैंक बताओ बेटे बताओ, बैंक पर्सनल है या रियल है, एसेट तो है, बट बैंक पे रूल सोचो, क्या बैंक आएगा या बैंक तुम्हारे से ही जाएगा, नहीं, बैंक या तो रिसीव करेगा या देगा, तो बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल, बिल्स पेबल पर्सनल, कि इस बंदे को पैसा देना है, बिल्स पेबल यानी सन्ड्री क्रेडिटर, अभी सन्ड्री क्रेडिटर लेके चलो, सेल्स माल बेचा, सेल बेटे आपकी इनकम होती है, नॉमिनल, माल खरीदा खर्चा है वो भी आपका क्या है, नॉमिनल, कैश रियल, एक्रूड इनकम पर्सनल, रेंट रिसीव इनकम मिली नॉमिनल, एडवांस में पे कर दिया यानी लायबिलिटी, तो ये किस नेचर के, किसी बंदे को ही दिया होगा, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव, कॉपीराइट रियल और सैलरी एक्सपेंस है तो क्या हो गया बेटे, नॉमिनल, बताइए क्या आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर है, बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन लिखिए आप, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इंटू, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इंटू एसेट,
लाइबिलिटीज और बोलो कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। ठीक है, कुछ नया नहीं है। अभी ट्रेडिशनल का एक क्वेश्चन किया है, अब एक क्वेश्चन मॉडर्न का कर लेते हैं। खत्म हो गया बेटे, लिख लिया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इसी को क्लासिफाई करना है आपने आगे। चलो शुरू करें। बिल्कुल, बताओ बेटे कैश आपका क्या होता है? एसेट, डेटर, एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भाई अभी पे करना है, एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। मशीनरी, एसेट, रेंट, खर्चा है, एक्सपेंस, फालतू रेंट दे दिया, बताओ बेटे क्या होगा? एसेट। कैपिटल तो कैपिटल ही होगा, फर्नीचर एसेट, ड्राइंग्स ड्राइंग्स होगा, गुडविल एसेट, बैंक बताओ बच्चों, बैंक भी एसेट होता है, बिल्स पेबल अभी पे करना है, एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। सेल्स इनकम यानी रेवेन्यू, और परचेज यानी खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है, आगे कैश आपका एसेट है, एक्रूड इनकम, बेटे अभी इनकम मेरे को रिसीव नहीं हुई, नहीं हुई तो बोलो मिलेगी फ्यूचर में, फ्यूचर में मिलेगा तो एसेट, रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू, रेंट एडवांस में मिल गया, एडवांस में मिल गया यानी सिरदर्दी, या तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा या किराए पे घर देना पड़ेगा। कॉपीराइट बेटे, कॉपीराइट होता है आपका एसेट, और सैलरीज होती है बताओ बच्चों खर्चा। इसी के साथ बेटे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा करना, सारे रूल्स याद होने चाहिए, चाहे वो ट्रेडिशन का है चाहे वो मॉडर्न का है। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेडिशन पढ़ लिया तो हमें मॉडर्न नहीं पढ़ना, मॉडर्न पढ़ लिया तो ट्रेडिशन नहीं पढ़ना। आपको दोनों रूल्स याद होने चाहिए, क्लासिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अब ये चैप्टर कंप्लीट है, अगला चैप्टर मैं आपको जर्नल कराऊंगा। जर्नल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए और नंबर दो रूल्स याद होने चाहिए। चलिए तब तक के लिए आप इसको याद करिए, हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।